हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा नाम है आरजू एंड गाइस टुडेस वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड ब्रिंग इन ऑस्ट्रेलिया इफ यू आर कमिंग हियर एज अ स्टूडेंट और एनी बडी हियर आई हैव ऑलरेडी मेड दिस वीडियो मैंने बनाई थी पर जब मैं इंडिया थी उसमें मैंने बता सब कुछ दिखाया था कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ क्या क्या लेके जाना चाहिए एंड ऑल दैट बट

मतलब मैं बताऊंगी तो बताई देती हूँ किया, मतलब, किया है कि इस जद्दोजहद में लगी हुई थी आई वॉज लुकिंग फॉर इन और वो चीज में मतलब इतना टाइम लग गया ना मुझे मैं बता नहीं सकती या तो काम ही कर रही हूँ या फिर घर पे आके भी इधर भी सेटलमेंट ही कर रही हूँ तो अभी थोड़ा सा कंप्लीटली अभी भी नहीं हुआ है बट हाँ तो होम टूर की वीडियो भी मैं जरूर बनाऊंगी जब थोड़ा सेटल हो जाएगा घर कमिंग ऑन द पॉइंट तो पहली बात तो जब मैं आपको ये कह रही हूँ कि क्या-क्या चीजें आपको लानी हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में या बहुत सारे लोगों के मन में जो यहां पे आ रहे हैं उनके मन में ना एक परसेप्शन होता है कि यार ये चीज ऑस्ट्रेलिया में मिलती होगी ये ये तो नहीं मिलती होगी ये तो जरूर लेके जाना है नहीं ये तो नहीं मिलती होगी वैसा परसेप्शन रहता है मेरे में भी यार ये मिलता होगा ये तो नहीं मिलता होगा ये तो लेके जाना पड़ेगा और वो सब तो गाइज यहाँ पे हर चीज मिलती है हर चीज यू नेम इट एंड यू गेट इट ठीक है तो द ओनली रीजन कि हम अपने घर से सामान लेके आते हैं या हम जहाँ से आ रहे हैं वहां से सामान लेके आते हैं वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आके उस चीज को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है सो इट्स ऑल अबाउट मनी लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे ये चीज मिलती है तो जी यहाँ पे मिलती है बल्कि मैं तो कहूंगी कि यहाँ पे इंडिया से ज्यादा सामान मिलता है वो कैसे अब देखो फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो मुझे इंडियन सामान ठीक है इंडियन ग्रोसरीज में सब कुछ मिलता है और ज्यादा कैसे मिलता है वो मैं बताती हूँ इंडिया में अगर आप नॉर्थ साइड रहते हो तो आपको सिर्फ नॉर्थ में जो लोग सामान खाते हैं वो मिलता है ठीक है साउथ में जो रहते हैं उनको साउथ वाले स्नैक्स या वो सब मिलता है पर जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपको एक इंडियन स्टोर में सारा इंडिया मिलेगा आपको साउथ वाली स्नैक्स भी मिलेंगे साउथ वाली चीजें भी मिलेगी आपको नॉर्थ वाली भी मिलेगी आपको सब मिलेगा आप समझ रहे हो तो इतनी ज्यादा वैरायटी होती है और बहुत वैरायटी होती है खाने के मामले में ले लो सामान के मामले में ले लो एनीथिंग यू नेम इट एंड यू गेट इट ठीक है इट्स यूटेंसिल क्लोथ्स ठीक है आपका इंडियन फूड आपकी इंडियन ग्रोसरी यूल गेट एवरीथिंग ठीक है तो नाउ गाइज पहली चीज से स्टार्ट करते हैं और वो है मतलब तो कैटेगरीज तो बना रखे मैंने तो फर्स्ट कैटेगरी इज योर क्लोथ्स ठीक है तो क्लोथ्स में आपको मेन मेन चीजें बता देती हूँ मेन मेन चीजें ऐसा है कि यू हैव टू गेट ब्लैक टी शर्ट ब्लैक हुडी ब्लैक ट्राउजर्स ब्लैक शूज तो आप एक पेर ला सकते हो बट टी शर्ट ट्राउजर्स इन सब के दो दो या तीन तीन पैर फॉर श्योर ले आना नाउ वाई आई एम सेिस आई एम से बिकॉज जब आप यहाँ पे आते हो और आप जॉब करते हो तो जॉब्स में जनरली आपको ब्लैक आउटफिट कैरी करना पड़ता है टिल द टाइम अब जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ ऑफिस वेयर में ब्लैक कपड़े नहीं आते उसमें तो वही जो नॉर्मल आप पहनते हो शर्ट एंड ट्राउजर्स एंड फॉर्मल शूज वो सब आता है जब आप यहाँ पे आते हो इफ यू आर वर्किंग इन अ रेस्टोर इन अ पेट्रोल स्टेशन इन अ वेयर हाउस यू हैव टू वेयर ऑल ब्लैक ठीक है तो उसके लिए मैं कहूंगी आप पहले से वो लेके आना क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और मेक श्योर sure ऐसा नहीं है कि ब्लैक टी शर्ट ला रहे हो उस पर इतना बड़ा तारा छपा हुआ प्लेन ठीक है और आप मेरे को ज्यादातर ब्लैक में देखोगे मतलब मैं वैसे तो कोई ऐसी जॉब कर नहीं रही हूँ पर मम्मी से मैंने ना सात आठ मंगा ली थी तो अब मेरे पास यही है आप सोचते हो ये एक ही पहनती है पर ये एक ही कलर की सात आठ है तो मैं ये यही पहनती हूँ उसके बाद आती है गाइज आपके अंडर गार्मेंट्स और आपके सॉक्स की बारी तो अंडर गार्मेंट्स और आपके सॉक्स जो है वो या सॉक्स के तो टेन पेयर तो रख ही लेना एंड आपके जो अंडर गार्मेंट्स है वो भी टेन रख लेना क्यों कह रही हूँ इतने रख लेना क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मम्मी हर यू uh, नो you know, हर ऑल्टरनेटिव डे मशीन लगाती है और आपके कपड़े धुलते हैं नहीं वैसा नहीं होता ठीक है यहाँ पे जब आपकी छुट्टी होगी वो वीकली हो रही है या वो फोर्ट हो रही है जब आपकी छुट्टी होगी आप तब कपड़े धो पाओगे है ना छुट्टी वाले दिन तो मतलब आपको एटलीस्ट सेवन डेज फाइव डेज का तो सेट चाहिए ही चाहिए तो इस हिसाब से लगा के चलो तो ठीक है टेन टेन इज लाइक परफेक्ट तो दस दस तो ले ही तो मेलबर्न में तो मैं आपको मेलबर्न का बता सकती हूँ और अभी फिलहाल देखो जुलाई इनटेक वाले स्टूडेंट्स आएंगे अभी पढ़ रखे कड़ाके की ठंड और कड़ाके की ठंड का मतलब है दो डिग्री तीन डिग्री एक डिग्री सेवन डिग्री सिक्स डिग्री इतनी ठीक है तो इसमें तो यहाँ पे पता है क्या होता है यहाँ पे ना धुंध नहीं होती जैसे हमारे इंडिया में धुंध हो जाती है है ना यहाँ पे नहीं होती यहाँ पे ठंड होती है और हवाएं चलती हैं बहुत तेज ठीक है तो यार कंबल मैं ले आई थी एक रेड कलर की पतली सी उसको तो एसी ब्लैंकेट टाइप था वो मुझे लगा यार ऑस्ट्रेलिया गर्मी के लिए जाना चाहता है वहां पे तो सर्दियां होती ही नहीं है मतलब ऐसा एस्टीमेट लगा के मैं वो लिया ही पतला सा कि भाई वेट भी कम है इसमें और इसमें ठंड रुकी जाएगी बट आई वॉज सो रोंग आई वॉज सो सो रोंग शुरू में मुझे बहुत परेशानी आई जब तक मैंने कम्बल नहीं लिया ठीक है तो अपना मोटे वाला कंबल चाहे अपने चार कपड़े निकाल देना लेकिन कंबल अपना मोटा लेके आना मैं पहले ही बता रही हूँ उसके बाद बात करते हैं बेडशीट्स की तो बेडशीट्स भी अपनी लेके आना अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे जो मैट्रेस होता है जो गद्दा होता है वो यार उनकी जो विथ्स होती है ना वो हमारे इंडिया में क्या इतनी होगी ज्यादा ज्यादा इतनी होगी यहाँ पे इतने मोटे मोटे गद्दे होते हैं ठीक है तो छोटे साइज की बेडशीट्स चलती नहीं है मैं आपको कहूंगी आप जो भगवान जाने सबसे एकसेल, एकसेल वाली होती सबसे बड़ी, वो लेके आना क्योंकि हमारे घर में बेड्स पे बिछती है मैं वो ले आई ठीक है अब मैं उसको गद्दे उस साइड बेड की साइड दबाऊं वो यहाँ से छोटी पड़ जाए यहाँ खिंचू वो गद्दे में से निकल जाए इतनी ज्यादा परेशान हुई मैं फिर मैंने कोरियर करवाया और मम्मी से बड़ी मतलब किंग साइज बेडशीट मंगवाई सबसे बड़े वाली अब जाके वो मेरे क्वीन बेड पे फिट आती है क्योंकि गद्दा होता है इतना मोटा है तो आधा तो वो ही खा जाता है ठीक है तो बेडशीट्स का ऑलवेज ब्रिंग किंग साइज एक्सल साइज बेडशीट्स और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ अगर आप ये एस्टिमेट से आते हो ना कि यार मैं तो अकेली हूं तो मेरे लिए तो मतलब यू नो सिंगल बेड ही काफी है तो मैं सिंगल बेड की बेडशीट्स लेती हूँ मैं आपको बताती हूँ अगर आपके पास शुरू में या कहीं कभी भी आपको सिंगल बेड मिल रहा है ना तो जो आपकी बड़ी चादर है वो छोटी होके बिछ जाएगी लेकिन अगर आप सिंगल चादरें लिया है ना और फिर आपको यहाँ पे आपके आपको क्या पता आपको बड़ा बेड लेना पड़ जाए या आपको क्वीन बेड मिल जाए किंग बेड मिल जाए बड़े वाला तो वो सिंगल बेडशीट वो तो गई वेस्ट राइट सो आई वांट रिकमेंड यू टू ब्रिंग सिंगल बेडशीट सिंगल का भी मत लाओ बड़ी ही लाओ ताकि अगर सिंगल बेड मिले तो आप फोल्ड करके बिछा लो और बड़ा मिले तो वो बड़ी होके बिछ जाए ठीक है मतलब मैं भी अभी दो तीन सिंगल बेडशीट लाई थी इंडिया से पर वो आज तक यूज नहीं आ रही वो ऐसे ही फोल्ड होके पड़ी है मतलब मैंने ये सोचा कि चलो गर्मियों में ओढ़ने के काम आ जाएंगी मैं आपको बताती यहाँ पे बारह मासी ट्वेल्व मंथस रात में ठंड पड़ती ही पड़ती है मतलब ऐसा नहीं कि कोहरा पड़ता है लेकिन कंबल लेना ही पड़ता है जितना मुझे याद है पिछली सर्दी मैंने कुल मिला के पूरी सर्दी दस से पंद्रह दिन चद्दर ओढ़ी होगी बस वरना कंबल ही ओढ़ा है क्योंकि फैन चल रहा है तो वो ठंड पड़ेगी ही पड़ेगी तो वो कंबल ओढ़ना पड़ेगा तो इसलिए सिंगल बेडशीट्स का कोई यूज नहीं हुआ तो आप समझ गए ना मेरी बात की अब मैं बताऊंगी आपके विंटर सो हुडी ये अपनी लेके आना और यार मोटा सामान ही लेके आना मतलब जो जो क्या है? बोलते हैं उसको विंड शीटर्स बोलते हैं ना जो मतलब हवा से बचाते हैं तो वो जरूर रखना क्योंकि भाई मैं बार बार कहूंगी कि यहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती हैं बर्फ तो पड़ती नहीं पर हवाएं इतनी ठंडी होती है ना यहाँ पे अगर ये चीज कवर नहीं है ना तो ऐसे दिमाग में अटैक करती है तो कैप्स वगैरह अब अगेन आप कहोगे कि ये कैप्स ये सब लाने की जरूरत है तो मैं कहूंगी हाँ लाने की जरूरत है ऐसा नहीं, कि यहाँ पे मिलता नहीं है और सस्ता भी मिलता है मतलब के मार्ट में तो आपको टेन फिफ्टीन डॉलर की कैप मिल जाएगी लेकिन अगर मैं आपको अभी कहूंगी कि यार दस डॉलर की कैप तो आप मुझे कहोगे दस डॉलर की कैप नहीं है पांच रुपए की कैप है फाइव हंड्रेड फोर्टी रुपीज की क्योंकि वही बात है ना तो शुरू में मैं कहूंगी कि शुरू का सामान तो हम हमेशा लेके आए ही आए क्योंकि हमें नहीं पता हमारी कब जॉब लग रही है अब देखो हर जब भी कोई स्टूडेंट आता है या कोई भी यहां पे नया नया आता है जब तक वो यहाँ पे सेटल नहीं हो रहा उसके लिए हर चीज बड़ी ही है उसके लिए टेन डॉलर की चीज भी बड़ी है कि यार ये तो बहुत महंगी है द टाइम यू सेटल हियर जब आपकी सेविंग्स होने लग जाती है जब आपको आइडिया होने लग जाता है चीजों के प्राइस का आप कि आप मतलब कमाने लग जाते हो वो सारी चीजें तब आपको समझ आने लग जाता है कि हाँ यार दिस इज अफोर्डेबल ये हम ले सकते हैं ये उतना महंगा नहीं है बट तब तक के लिए आपको सारी चीज चाहिए राइट सो so, कैप आपकी हुडी आपके जैकेट्स वो सब लेके आना अगेन अब मैं बताऊंगी ट्रेडिशनल वेयर के बारे में तो गाइस ट्रेडिशनल वेयर जैसे आप इंडियन गर्ल्स के लिए सूट्स वगैरह होते हैं बॉयज के लिए कुर्ता पजामा होता है आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड यू टू गेट देम ठीक है दो तीन सूट मतलब आसानी के पूरा सूटों का भर लो क्योंकि वो कहीं काम नहीं आने वो सिर्फ आप यू नो बर्थडेस पे पहन लिया या फिर फेस्टिवल्स पे पहन लिया पर यार वो बहुत जरूरी है मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूं। क्योंकि यहाँ पे तो आके तो तो इतना नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो मतलब, मतलब, मतलब मिल जाएगा पर वो जो क्वालिटी होती है हमारी वो नहीं मिलती यहाँ पे और प्राइस हाई होता है और क्वालिटी वो नहीं मिलती तो मैं वो तो कहूंगी कि यार ट्रेडिशनल वेयर अपना कुछ तो रखो दो तीन तो डेफिनेटली रखो कभी कभार आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे सेलिब्रेशन uh, हो जाते हैं जिसमें आपको अपने कंट्री की आउटफिट पहन के जानी है राइट right? तो वहां पे आप पहन के जाते हो सूट्स वगैरह तो यस आई वुड रिकमेंड यू टू गेट योर ट्रेडिशनल सूट्स ट्रेडिशनल वेयर विद योर ज्वेलरी एंड एवरीथिंग वो सब लेके आना पर ये नहीं कि ज्यादा भर लो मिनिमल दो तीन छोटा छोटा सामान वैसा कुछ तो क्लोथ तो से रिलेटेड ब्लैंकेट बेडशीट्स शीट्स जैकेट्स ट्रेडिशनल वेयर ये सब मैंने आपको बता दिया कि ये सब लेके आना है ठीक है अब इस चीज में मैं एक चीज जरूर कंक्लूड करना चाहूंगी और वो कहना चाहूंगी कि ऑलवेज कीप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आप समझ रहे हो एक है कि आपने मतलब मैं यार अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपने तीन च, आपने पांच चादरें ले ली ले लेकिन दो सो दो सौ रुपए की और आपने दो चादर ले ली ले लेकिन यू you नो know, दोस्तों बनी फाइव टू हजार मतलब पांच सौ पांच सौ की दो ले ली तो आई वुड टू तो गेट दो पांच सौ पांच सौ वाली मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी क्योंकि मैं आपको बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि देखो यहाँ पे ना मशीन में कपड़े धुलते हैं और उसके बाद आप उनको धूप में नहीं सुखाते ही। मतलब जनरली क्या होता है आप कपड़े धोए और फिर आपने ड्रायर में डाल दिए ड्रायर में सूख के ही निकलते हैं मतलब यहाँ सुखा, फैसिलिटी होती है आप सुखा सकते हो पर बिकॉज ऑफ द वेदर और मतलब इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि यार क्योंकि कपड़े सुखा दिए उनको देखना भी पड़ेगा बारिश ना आ जाए या कुछ मतलब यू you नो know, भीग ना जाए वो सारी चीजें देखनी पड़ती है तो इतना टाइम किसी के पास होता नहीं सो पीपल जनरली ड्राई करते हैं ड्रायर में तो ड्रायर में इतनी तेज हीट होती है कि अगर कपड़ा खराब है ना मतलब गंदा है मान लो सस्ते वाला है मतलब आप समझ जाओ कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो पहले वॉश में ही खराब हो जाएगा उस पर बूर आने लग जाएगा या फिर मतलब वो पहनने लायक ही नहीं रहेगा क्योंकि बहुत तेज हीट पड़ती है उसकी ड्रायर की ठीक है तो मैं कहूंगी कि यार कम चीज लाना पर अच्छी चीज लाना जो आपकी लॉन्ग रन में चले मैंने तो मम्मी को जब मैंने कोरियर मंगाया था मैंने ये बोला था मम्मा मेरे को क्वांटिटी नहीं चाहिए ठीक है बस मुझे जो दे रहे हो ना वो अच्छा भेज देना क्योंकि यहाँ पे टिकती नहीं है चीज अगर ढंग की हो ना तो मतलब पैसे लगा लो पर अच्छी चीज ले लो वैसा वो कह रही हूँ मैं और ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मेरी एक बेडशीट थी मतलब वो ना गिफ्ट आई थी आ, मेरे डैडी की रिटायरमेंट पे तो सर्दियों की बेडशीट थी तो ये था कि हाँ यार गिफ्ट आई है अच्छा है छूने में अच्छी थी ये वो पर जब मैंने उसको पहली बार धोया तो उसके वो सारे वो निकल गए मतलब आप समझ रहे हो वो अच्छी नहीं थी तो वो खराब हो गई वो मतलब दंडी ही गई मतलब मैं इतनी भारी वुलन बेडशीट लेके भी आई और उसका कोई फायदा भी नहीं हुआ इन वजहों से ना मेरी दो चार चीजें हैं जो खराब हुई तो मैंने मतलब मैं मम्मी को फोन पे मैं बता रही थी मम्मी ये चीज नहीं लानी चाहिए थी क्योंकि वही है ना कि यार स्पेस भी अ, मेरा ऑक्यूपाई हो रहा है और वो चीज फिर यहाँ आके बिल्कुल जीरो यूज हो रही है तो वो चीज मेरे को चाहिए ही नहीं कि सो so गाइज ये वीडियो हो गई थोड़ी सी लंबी मतलब शूट सारी हो गई है सारा बना दिया है लेकिन आई गेस इस वाली वीडियो में सिर्फ क्लोथ्स वाला सेक्शन ही आ पाएगा क्योंकि इतना ज्ञान दे देती हूँ ना मैं पर हाँ गाइज मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या क्या चीजें लानी है पर मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया तो यार उसके तो थोड़े से ज्यादा टाइम लगे ना बताने में सो so गई वो वीडियो बन चुकी है एडिट हो चुकी है एक दो दिन में वो भी डाल दूंगी तो तब तक ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कर दो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं स्पेशली और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेलाइकन को दबा देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भारतीय नारी ऑस्ट्रेलिया पधारी साइनिंग ऑफ मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन ब बाय एंड टेक Take care